सुरेश कौशिक जी और हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष अमरपाल राणा जी, चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, जसवीर देशवाल जी, कलीराम पटवारी जी, रामकिशन बिरागी जी, राजू मोहर जी और सम्मानित मंच, पिता समान बुजुर्गो, नौजवान साथियों और मातृ शक्ति प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी इस देश की ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ गरीब के बारे में सोचती है, जो अंतिम पंक्ति में हमारा हमारे देश का नागरिक है उसके बारे में चिंतन करती है। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी एक ऐसे इकलौते नेता है जो आने वाले 5 साल में सभी गरीबों की रोटी का इंतजाम और घर का इंतजाम और उनके स्वास्थ्य का इंतजाम सब करके जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने उसके बारे में सोचना है। आने वाली 12 तारीख को नरेंद्र मोदी जी को भाई रमेश कौशिक जी को भारी बहुमत से जिताना है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप लोग सब जानते हैं कि दुनिया में हमारे देश का नाम कितना सम्मान से लिया जाता है। साथियों, जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी की बात है, साथियों, मुख्यमंत्री जी ने समान रूप से हर विधानसभा में समान रूप से विकास किया, सबको बराबर की ग्रांट दी, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे इनेलो का विधायक हो। साथियों, और रोजगार की बात कर लो, बिना रिश्वत के और मैट के आधार पर नौकरी दी है। मैं तो अपनी आपसे सिर्फ एक विनती करता हूँ कि आप उस दिन पूरा का पूरा मतदान कोई भी घर में बाकी ना रहे, 12 तारीख को सबकी वोट डलवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।